तो भाइयों स्वागत है सभी बालक बालिकाओं और लौंडे लौंडियाओं का आज की इस वीडियो में, और भाई निब्बा निब्बियों का भी और चाचा मामा फूफा नाना ताऊओं का भी। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे भाई क्लैन वॉर लीग के बारे में, जो कि जस्ट अभी अभी खत्म हुई है। और चैंप वन के अंदर हमारा क्लैन था भाई, काफी सारी धुआंधार खतरनाक तरीके से भाई इसके रिजल्ट आए, और क्या क्या रिजल्ट आए वो आपको आज हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कितने भयानक रूप से हमारी भाई जान बची है, बड़ी खतरनाक तरीके से भाई क्लैन हमारा डिमोट होते होते बचा चैंप वन में। मतलब एकदम भाई, हमने देखो जनरली हम जाने जाते हैं भाई गदी बैठाने के लिए, लेकिन इस चैंप वन के इस क्लैन वॉर लीग के दौरान ना भाई हमारी गदी बैठ गई थी एकदम भाई, सीन शॉट हो गया था। चलो जी आपको दिखाते हैं कैसे सीन शॉट हो गया था। अब यहाँ पे अगर आप भाई वॉर लॉग को खोल के देखो तो आपकी समझ में ये आएगा कि भाई दादा बहुत कड़ी पिटाई हो रखी है यहाँ तो। और पिटाई किसकी हो रखी है भाई? अपोनेंट की ना हो रखी, पिटाई हमारी हो रखी है। पहले सबसे टोपी परेशान कर रही है यार, ये टोपी को घुमा दो पहले जरा, उसके बाद आगे की बात करेंगे, होले होले बात करेंगे। भाई तुम्हारा भाई थका हुआ है, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो सकता है, थके क्यों है वो भी बताएंगे। भी पहले जरा टोपी को ठीक कर लो, मैं टोपी ना ठीक हो रही है हमारी, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अरे बाल भी ना सही लग रही है। चलो जो भी है ठीक है। तो भाई देखो थके हम क्यों है, क्योंकि भाई दिन भर भाग दौड़ चल रही है बहुत ज्यादा। किसकी वजह से भाई? कंप्यूटर की वजह से चल रही है या सेट ही ना होके दे रहा हमसे? चलो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले देखते हैं, सात वॉर हुए, सात में से मात्र हम तीन वॉर जीत पाए भाई, बाकी चार वॉर हम हार गए। देखो एक तो खासम खास बात ही है, और दूसरी खासम खास बात ही है कि तुम्हारे भाई ने 21 स्टार भी मारे हैं क्लैन में। देखो नंबर वन पे और नंबर तीन पे और नंबर पांच पे मेरी आईडी है। जो नंबर वन पे आईडी है भाई उसमें से सात के साथ अटैक 21 स्टार है। और कुछ बंदे कहेंगे कि भाई वो 21 स्टार वाली आईडी क्यों ना खोल रखी है अपने, 18 स्टार वाली क्यों खोल रखी है? तो 18 स्टार वाली आईडी भाई इसलिए खोल रखी है क्योंकि जो 21 स्टार वाली आईडी है ना वो उस वाले फोन के अंदर है जो फोन भाई अभी रिकॉर्डिंग कर रहा है। आहा चश्मा उसमें पहन लेता हूँ यार, मजा सा नहीं आ रहा है ऐसे। अब ठीक है, तो वो जो आईडी है वो उस फोन के अंदर है जो भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है। चलो पहले मैं उसी आईडी के आपको कुछ अटैक दिखाता हूँ। मेरे को उसका एक्सपी लेवल पता है, एक्सपी लेवल उसका 146 शायद, बेस भी देख लो भाई उसका, ये वाला 247 सॉरी, ये वाली आईडी है वो जिसने मारे हैं कितने 21 स्टार। तो इसी आईडी के हम अटैक दिखाएंगे भाई आपको, कैसे कैसे मारे, हर एक टीम को धोया, और साथ ही साथ हम आपके सामने क्लैन वॉर लीग का बोनस भी डिप्लॉय करेंगे, बांटेंगे लोगों को भाई, धनवान कर देंगे एकदम, रईस कर देंगे। ठीक है, वैसे कहाँ गई आईडी? पांच नंबर पे है, हाँ ये वाली है। तो यहाँ पे हमने किस पे अटैक किया था? यहाँ पे करा था, और मेरे को पता भी नहीं था यार मैंने 21 स्टार मार दी। मेरे को तो लग रहा था भाई क्लैन वाले बंदों ने बताया कि मोगम्बो भाई आपने तो बहुत, अरे रिप्ले अवेलेबल ही नहीं है क्या भाई? रिप्ले अवेलेबल नहीं है, मेरे को लग रहा मेंटेनेंस ब्रेक जो आए थे ना उसकी वजह से रिप्ले उड़ गए हैं। तो देखते हैं किस किस के रिप्ले अवेलेबल है। अगर रिप्ले अवेलेबल नहीं होंगे तो भाई देखो टेंशन मत लेना, हमारे पास लाइव अटैक करने के बहुत जुगाड़ है, हम सीधा लाइव धोना शुरू कर देंगे किसी को अगर रिप्ले हमको नहीं मिलेंगे। पहले मैं देख लेता हूँ भाई क्लैन वॉर लीग के अंदर कितने रिप्ले अवेलेबल है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर ठोकना, उसके बाद मैं आपको और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताने वाला हूँ। पहले जरा मैं यार ये अटैक देख लूँ, एक आधा रिप्ले कुछ मिल जाएगा क्या, या सारे रिप्ले गायब हो गए भाई? भाई सारे रिप्ले गायब हो गए मुझे तो लग रहा मार्केट से, मार्केट में एकदम धुम्मा उठ गया भाई मेंटेनेंस ब्रेक की वजह से, मेंटेनेंस ब्रेक ने सारे रिप्ले उड़ा दिए। चलो जी क्या पता कुछ मिल जाए, खुदाई कर लेते हैं क्या हो गया, कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, ना मिलेगा तो भी ठीक है, वरना फिर हम लाइव अटैक करेंगे। और इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है वो तो हम वैसे भी देख रहेंगे, किसी के रोकने से हम ना रुक पाएंगे। ठीक है जी, ये भी रिप्ले अवेलेबल नहीं है, वॉर नंबर पाँच तक तो अवेलेबल ही नहीं है, वॉर नंबर छः में देखते हैं भाई, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो बोनस बांट देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे है क्या अवेलेबल? लो भैया वॉर नंबर छः के अंदर एक रिप्ले अवेलेबल है, ये वाला बेस था, ये वाला बेस का आप रिप्ले देखो। बंदे कहते भी भाई कॉर्नर बेस का रिप्ले बताओ, तो कॉर्नर बेस का रिप्ले देखो, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। सबसे पहले बंदों ने नोटिस कर रहा होगा कि आज मोगम्बो का जो बैठने की जगह है वो चेंज है, बिल्कुल चेंज है, और कुर्सी वर्सी पे बैठा भाई आज मोगम्बो। मोगम्बो आज कैसा अलग अलग सा हो रखा मामला, तो अलग अलग सा मामला ये कि भाई हमारी चेयर है जो हमने खरीदी अपने सेटअप के लिए है ना, और मैं इस वक्त अपने सेटअप के सामने ही बैठा हुआ हूँ, बट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फोन से ही, क्योंकि भाई सेटअप मेरा भी चालू ही ना होकर दे रहा, पूरा दिन हो गया मेरे को इसमें हटकते अटकते भटकते भटकते, और बस क्या बताऊँ अब भाई इसकी पावर का, अरे तामझाम बहुत सारे यार इसके अंदर। मतलब इसका जो बोर्ड है ना, अब देखो जो इसका सीपीयू का, मतलब सीपीयू का जो वो है मतलब आउटपुट है वो भी उसका पावर का है, और जो मैंने मॉनिटर खरीदा है भाई वो भी पावर का है। तो पावर का जो सॉकेट है वो एक जगह पे अवेलेबल ही नहीं है,
और दुकान पे भाई पता कर रहा हूँ तो वैसा कोई वो नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं एक्सटेंशन बोर्ड, तो बड़ा टेंशन वाला काम हो रखा है। मुझे लग रहा है कस्टम एक्सटेंशन बोर्ड बनवाना पड़ेगा, उसके बाद लाइटिंग पाइटिंग का भी काफ़ी सारा काम रह रहा है कि मतलब बहुत काम बचे हुए हैं अभी, और मेरी कोशिश है कि किसी तरह से इसे 14 दिसंबर से पहले मैं तैयार कर लूँ और 14 दिसंबर को मैं लाइव आऊँ, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है, तो उस दिन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ भाई बढ़िया सा टाइम बिताएं और पहली लाइव स्ट्रीमिंग अपने बर्थडे वाले दिन ही करें इस कंप्यूटर के साथ, मतलब ठीक है, मतलब कोशिश तो यही है, बाकी तो यार समय ही बता पाएगा कि भाई ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मतलब मेरा ये विचार है, मेरा ये प्लान है कि इस तरीके से अगर हम कर पाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा यार, मेरा मतलब मेरा मन है कि आप लोगों के साथ अपना बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूँ, ठीक है भाई। चलो जी अब ये वाला बेस देख लो, ये वाला भाई दो ही रिप्ले अवेलेबल है, उसके बाद तो रिप्ले गायब हो गए, उसके बाद हमें लाइव अटैक ही करना पड़ेगा और बोनस भी बांट देंगे हम, बोनस देख लेंगे और ये देख लेंगे कुछ चीज़ हमारी अपग्रेड के लिए बची हुई है, तो साथ ही साथ आपको फ्यूचर की कुछ बातें बता देंगे हम क्या क्या करने वाले हैं, आप बाकी बता देना भाई आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या बेकार लगा। और हाँ बंदों ने कहा था कि यार मोगेम्बो भाई 21 स्टार मार भी देना वॉर में, बट और मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना मैंने कहा था मैं 2 आईडी से 21 स्टार मारूंगा, बट यार उसके बाद मेरा देखो शेड्यूल इतना बिजी हो गया कंप्यूटर के चक्कर में और भाई टूर्नामेंट के चक्कर में यार क्लैन वॉर लीगर ये यार वो यार फटरम छटरम कटरम भाई दिमाग से उतर गया, और मेरे को ये भी ना पता कि मैंने एक्चुअल में मार भी दिया आईडी से 21 स्टार, मतलब सोचा नहीं था हिट ऐसे सोच के नहीं करा था कि यार सारे बेस में सबको जाके धोना ही है। और देखो चैंप वन है ये क्लैन, मतलब क्लैन हमारा चैंप वन है, चैंप वन के अंदर भाई कमजोर अपोनेंट आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। अभी भी आप ये रिप्ले देख रहे होगे जिसके ऊपर ये अटैक कर रहा है, ये नोवा टीम है और नोवा क्लैन भाई वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्लैन इन द वर्ल्ड है, ठीक है, तो उस तरह के भी था भाई, पर भाई अपने हत्ते चढ़ गया, हत्ते चढ़ गया तो फिर आपको पता ही है हत्ता हमारी सटक ली, और एक बार हमारी क्वीन मार्केट में भटक ली तो उसके बाद तो बेस उड़ा ही उड़े, ठीक है भाई। तो इस वाले बेस को बहुत आसानी से हमने गदी बिठा दी और 5 बेस और थे जिनकी गदी भाई इस आईडी ने बिठाई थी, और बाकी सारी धोया तो देखो सारी आईडियों से है, ऐसा तो है ही ना कि एक आईडी से, पर इससे कुछ ज्यादा पिटाई होगी, तो मैंने कहा चलो यार आपको कुछ अटैक दिखाऊंगा, पर अटैक कहाँ से दिखाऊं, यहाँ तो यार वही हो गया। चलो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, और थोड़ी सी आपसे वो भी लेते हैं राय भी ले लेते हैं सजेशन भी ले लेते हैं, कुछ पूछ तो रहा था यार मैं, पर यही भूल गया क्या पूछ रहा था मैं यार बड़ी टेंशन में चल रहा हूँ अभी, देखो मैं इतना बिजी चल रहा हूँ और पूरा दिन इसके चक्कर में मेरा लग जा रहा भाग भाग के क्या बताऊँ भाई। चलो एक काम करते हैं बोनस बांट देते हैं, अब देखो किसी को ये पता करना हो कि भाई चैंप वन में देखो कितने मेडल्स मिलते हैं, तो 480 मेडल्स हमको मिले हुए हैं और ऐसे ही भाई बाकी क्लैन वालों को भी 480 मेडल्स मिले होंगे, और बोनस देने के लिए 7 लोगों को अभी मेरे पास बोनस देने का ऑप्शन अवेलेबल है, 105 मेडल्स मैं अभी और दे सकता हूँ, यानी कि 480 में 105 मेडल्स और जोड़ दे तो कितने हो गए भाई, गिनती ना हो पा रही इतने हो गए, बहुत हो गए 585, चलो ठीक है 585 हो गए होंगे भाई और कितने होंगे। तो अब मैं सोच रहा हूँ किस किस को दूँ, आई यार ये बोनस देने का काम ना बड़ा टेढ़ा काम होता है, क्योंकि जिसको आप बोनस नहीं दोगे ना वही आपको भाई दुश्मन की निगाहों से देखेगा क्या अच्छा मुझे बोनस ना दिया, और मैं सोच रहा हूँ मैं सारा का सारा बोनस अपनी अपनी आईडी में ले लूँ चलो देखते हैं भाई, कुछ आईडीज को तो देखो बोनस देना पड़ेगा, वरना अगर सारी जगह पापा मोगे वो आ जाएगा ना भाई, मतलब दिखा रहेगा कि अब देखो क्लैन में मैसेज क्या आएगा कि पापा मोगेम्बो गे बोनस टू दिस आईडीज, अब सोचो वहां पे ऐसे लिखा रहा है पापा मोगेम्बो गे बोनस टू पापा मोगेम्बो एंड पापा मोगेम्बो भाई क्लैन वाले विद्रोह कर देंगे एकदम, कहेंगे ओ ज्यादा हवा में चल रहा है अभी लाते तेरे को हवा में से नीचे, तो चलो अपने आप को भी देंगे और कुछ भाई इनको भी बांटेंगे मिल बांट के खाएंगे। चलो जी एक अपने आप को दे दिया, चलो देखो 2 आईडी को तो दूंगा, चलो जी 2 को दे दिया, क्लैश को देना है भाई, क्लैश के साथ हो गया था पिछले क्लैन वॉर लीग के अंदर कलेश के साथ कलेश हो गया था भाई, उसने क्लैन में ना रोड़ा मचा दिया, देखो क्लैश जिसको मैं बोनस दे रहा हूँ कह दिया भाई मुझे बोनस नहीं दिया, मैं तो भाई मैं शहर छोड़ जाऊंगा, मैं देश छोड़ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने कहा दादा ऐसे मत करियो, अगली क्लैन वॉर लीग आंदे भाई तेरा बोनस मैं याद रखूंगा, तो मुझे इसका बोनस याद है भाई, इसको बोनस दे देता हूँ, वरना भाई इस बार तो ये कती मतलब पानी वानी में जाकर कूद जाएगा और भाई एकदम ठंडे पानी में जाकर तैरना शुरू कर देगा, इसको बोनस नहीं दिया तो मैंने तो इसको बोनस दे देते हैं, त्वेसा को बोनस दे देते हैं भाई बहुत अच्छा डोनेशन करता है, रोय को बोनस दे देते हैं इसके 7 स्टार है तो इसको थोड़ा कम मेडल्स मिले होंगे, और किसको मेडल दे, एस एम हमारा टॉप डोनेटर है भाई, 30-40 हज़ार इसने डोनेशन कर रखी है तो इसको दे देते हैं, और किसको दिया रहा है, और पापा मोगेम्बो देने भाई दे देख के ना जीसा वो लग रहा है कि खुद को ही दे दूं, वैसे 2 आईडी में तो मैंने दे दिया है, 1 आईडी में और दे दूं क्या, जी ललचा रहा है बस
दे देंगे, 390 में तो दे सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे वाली में देता हूँ स्कोर घटा के, सबसे नीचे वाली हमारी पापा मोगम्बो यही है। अब बंदे कहेंगे इसके 16 स्टार क्यों, भाई इसके 16 स्टार ही है क्योंकि ये वाली आइडिया जिसके अंदर था तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। चलो जी पहले बोनस दे देते हैं, बोनस हो गए डिस्ट्रीब्यूट, 480 मेडल ही हो गए, 180 मेडल ही हो गए। और अभी जरा हमारे पास देख लेते हैं टोटल मेडल्स कितने, 2063 मेडल्स इस आईडी के अंदर है, और बाकी की जो मेरी आईडीज है उनके अंदर भी किसी में 1500, किसी में 2000, किसी में 2200, 2400 इस तरह से मेडल्स है, तो काफी मेडल्स है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और यार इतना बिजी चल रहा है अभी मेरी आईडी, अभी रात का टाइम हो रखा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इतने सारे अटैक मेरे बचे हुए हैं, और ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इसकी एडिटिंग करनी है, कल कंप्यूटर चालू कराना है, भाई क्या बताऊं मैं आपको, बिल्कुल मैं जो थकान की चरम सीमाएं होती है ना वो पार हो चुकी है मेरी, क्योंकि इधर से उधर छोटे छोटे काम के लिए भाई कभी इधर भागना कभी उधर भागना, और बार बार ऐसे ऐसे भाई चक्री सी घूमगी मेरी तो घूम घूम के। चलो आपके आगे एक दो लाइव अटैक करते हैं, जीवन में थोड़ी सी शांति मिलेगी अगर किसी को 3-4 अटैक में 3 स्टार मार दूंगा तो। कैसे अटैक करूं बोल रहा है, कैसे अटैक करता हूं इसको, यहां पे उतारो एक थोड़ा यूनिक अटैक करते हैं आज, है ना, बैटल ब्लिम से साथ तो इस बेस को सब अटैक करते हैं, हम यूज करेंगे इस बेस के ऊपर वॉल रैकर, आपको वॉल रैकर सिखाएंगे इस पे कि कैसे आप वॉल रैकर को यूज करके इस बेस के ऊपर 1 स्टार मार सकते हो। ठीक है भाई आओ जी 1 स्टार की वो सिखाते हैं आपको प्रक्रिया, कि ये 1 स्टार की प्रक्रिया कैसे रची जाए, आपको एक्सपर्ट कर दूंगा मैं 1 स्टार मारने में आज, एकदम शानदार खतरनाक अटैक करेंगे भाई। ओहो वॉल रैकर ही फटका मारा तो आधे रास्ते में फट गया भाई, ये तो सीन शॉट हो गया। चलो कोई नहीं फट गया तो फट गया भाई, उसका यहीं तक लिखा था कार्रवाई उसकी, ये दिक्कत हो गई, सारे के सारे इलेक्ट्रो छोड़ के चले गए टाउन हॉल को, भारी समस्या हो गई है ये, अब इससे लेना पड़ेगा इसको टाउन हॉल को, क्या कहते हैं हम, अरे क्या नाम है इसका, रॉयल चैंपियन, भाले वाली रॉयल चैंपियन टाउन हॉल को फोड़ेगी अब। ये 3 स्टार हो रहा था बहुत इजीली, अब ये अटैक आ गया थोड़ा सा खतरे में, थोड़ा सा क्या काफी खतरे में है, काफी खतरे में भी नहीं है, खैर हो भी सकता है अभी भी ट्रिपल, पर ये टाउन हॉल को ले जाते ना बहुत इजीली ट्रिपल हो रहा था ये, अब हाई परसेंटेज पे जाके ना रुक जाइए, लग तो नहीं रहा रुकेगा, हो जाएगा ट्रिपल, पर मतलब समझ रहे आप, अगर इलेक्ट्रो टाउन हॉल को ले गए होते ना तो इस बेस का एकदम भाई प्राण घटकम हो चुका था, इस वाले बेस को इस तरीके से हम वॉल रैकर की मदद से ट्रिपल मार सकते हैं, अभी भी थोड़ा सा खतरे में आइए। चलो देखते हैं क्या होता है, उसकी पावर बची हुई है जरा सी बुढ़ेरा की, वार्डन की, अपोनेंट की, वो भी गया भाई, अब तो बचना मुश्किल है इसका, मुश्किल है नहीं नामुमकिन है इसका, अब ना बच पाएगा भाई ये, हमारा बुढ़ेरा ना लठ मार मार के तोड़ देगा इसको, क्या नाम है इसका, टैसला बचा हुआ है, टैसला खोपचे में देखो, टैसला रे के विजाट टावर बचे हुए हैं, काली काली माइन ना निकल जाए भाई कहीं खोपचे में से, अरे हमारी यार ओहो इलेक्ट्रो फुल पावर में चल रहा है भाई, कहाँ मरेगा ये, कहाँ काबू मारा है किसी के, ये नावे किसी के काबू में, इसको तो ये ट्रिपल मारे ही मारे, आज ना बचाए बेस, आज इस बेस को कोई ना बचा सके, ठीक है भाई ये ट्रिपल हो जाए, उसके बाद एक अटैक हम और आपके सामने लाइव करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, 20,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो यार, एनर्जी का लेवल एकदम माइनस में चल रहा है हमारा, पर कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी का लेवल कोई भी हो, अटैक का लेवल सेम रहता है हमारा, पिटाई का लेवल भाई वही रहता है, देखो एनर्जी का लेवल कुछ भी हो, पिटाई का लेवल हमेशा बरकरार रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए। चलो जी 3 अटैक 4 अटैक करे मैंने इसमें, पहला अटैक 25 करा था, फिर 3-40 मारे हैं, 1-40 डिफेंस में भी जा चुका है, चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, चला गया तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो जी अगले अटैक की तरफ चलते हैं, किसी को धोने की कोशिश करते हैं दादा, और 2 अटैक लाइव काफी है आज के लिए, उसके बाद करेंगे हम कम, कल करेंगे कार्रवाई, वरना मैं आपको देखो 7 अटैक तो मैं सोच कर रहा था कि क्लैन वॉर लिख के दिखाऊं, पर ये पता ही नहीं था कि भाई सारे रिप्ले उड़ गए वहां से, इसमें भी 2-4 अटैक करे मैंने, पहला अटैक 1 स्टार, उसके बाद 2-40 ठीक ठाक चल रही है आईडी, और 1-40 डिफेंस में भी गया हुआ है। चलो जी ओटैक करेंगे, ओटैक घोटिया अटैक करने की कोशिश करेंगे किसी पे, लो जी पॉपुलर किस्म का बेस आ गया भाई, काफी पॉपुलर है ये लेजेंड लीग के अंदर। और देखो सोचो अभी जब कंप्यूटर चालू रहेगा और यहां से ऐसे ही बैठकर तुम्हारा भाई लाइव स्ट्रीमिंग करेगा, सोचो कितना मजा आएगा, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ सोच के, और यहीं भाई ईंट से ईंट बजा दे करेंगे एकदम बैठ के यहीं से दुम्मा उठाना देखो मार्केट में। पर यार दुम्मा तो तब उठेगा जब हमारा कंप्यूटर चालू होगा, और से पहले मैं आपको वो भी कराऊंगा सेटअप टूर भी, है ना, चालू करने से पहले मतलब जिस दिन चालू रहेगा उसके एक आध दिन बाद मैं आपको उस दिन या सेम दिन अगले दिन जब भी होगा सेटअप टूर करा दूंगा, उसमें दिखा दूंगा भाई ये ताम झाम है,
ऐसे ऐसे हमने लगाया है, और आप बताओ भाई देख के कैसा कैसा आपको लग रहा है। हमको तो ऐसा ऐसा लग रहा है, जैसा तैसा लग रहा है, बस ठीक ही लग रहा है। अब और शरीर के अंदर और जेब के अंदर हिम्मत नहीं बची भाई पैसे लगाने की, चीज़ों को चेंज करने की। खर्चा हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई, और कमाई हमने देखो अभी करी नहीं है कुछ भी, सच्चाई तो यही है, ठीक है। कुछ बंदे भाई सोचते होंगे, कुछ बंदे कह रहे हैं भाई मुगेम्बो भाई कि आपने कहाँ की कमाई से आपने कंप्यूटर लिया है, तो भाई यूट्यूब की कमाई से ना लिया ये भी कंप्यूटर, ठीक है। ये सारे भाई खुद के जेब के ही लगे हैं, और ये वन स्टार होने की कगार पर पहुंच गया अटैक। लो जी आखिरकार मार्केट में वन स्टार। बात करते करते आज तो भैया, चलो कोई नहीं, वन स्टार मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, चाहता तो मैं इसको डिलीट कर सकता था, पर देखो अपने डिलीट करने का कोई काम नहीं है, हो गया तो हो गया, इतनी टेंशन नहीं लेते भाई। अप्पा टाउन हॉल को छोड़ के यार आर्मी निकल गई, बताओ ऐसे, मतलब टाउन हॉल बीच में आधी आर्मी इधर से आधी आर्मी इधर से छोड़ के चलेगी टाउन हॉल को, ये भी बढ़िया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इजी ट्रिपल के साथ मजाक कर रहे हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन मेरे, कह रहे हैं कि मोगाम्बो की थोड़ी बेइज्जती कराते हैं, करा लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या बेइज्जती कराओगे, मैं एंड कर दूंगा बैटल को, ही एंड कर दूंगा मैं, तो बैटल ही एंड कर दिया भाई हमने। चार अटैक करे हमने इसमें, दो अटैक वन स्टार, दो अटैक चालीस स्टार, चालीस स्टार कह रहे हम तीन स्टार, तो कोई दिक्कत नहीं है, कितनी माइनस है ये, अभी भी भाई ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि दो में मेरे को प्लस 40 ही मारना है, छः में मेरा 148 डिफेंस गया, कम ही डिफेंस गया तो मज़ा आ गया, कल 215 गया था, एक अटैक मतलब कम हुआ था कल, चलो सही जा रहा है मतलब डिफेंस। खैर मेरी आईडी भी तो नहीं 453 पर कहाँ डिफेंस जा रहा आजकल। तो ठीक है भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और भाई वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन दबा दें, बेल आइकन दबा दें, और हमारा इंतजार करें, मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में।